मैं बता देना चाहता हूं साथियों, खापों का इतिहास हजारों वर्ष पुराना रहा है। इन खापों ने देश की रक्षा के लिए सेनाएं भी बनाई। इन खापों ने न्याय प्रणाली भी की व्यवस्था इस समाज को दी, इस देश को दी। सम्मान के योग्य हैं आज न्यायपालिकाएं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हजारों वर्ष पहले जब न्याय प्रणाली नहीं थी तो हमारे समाज के न्याय ये पंचायतें करती थी, ये खाप पंचायतें करती थी, ये थांबेदार करते थे, ये चौधरी करते थे। आज फिर देश एक ऐसे मोड़ पर आ गया है कि जहां सर्वखाप की पंचायतों को बुलाना पड़ा। बहादुर साथियों, बहुत गंभीर विषय है, बहुत सोचना है। आज जो चौधरी मंच के ऊपर हैं, बहुत बड़ा निर्णय सोच समझ के उन्हें लेना है। इन पंचायतों का इतिहास बरकरार रखना है। पंचायतों के अंदर जब कभी निर्णय लिए जाते थे तो दोनों पक्षों की बात सुनी जाती थी। एक तरफा निर्णय कभी नहीं हुआ। अगर मैंने कोई गुनाह किया तो पंचायत में मुझे चौधरियों के सामने आना पड़ता था, मुझे भी अपनी बात रखने का अधिकार था। बहादुर साथियों, आज इन मंचासीन चौधरियों के सामने बहुत बड़ा विषय बहुत दिन बाद आया है। देश के हालात आप देख रहे हैं, किस तरह से एक न्याय को, एक आंदोलन को एक जाति का करार दिया जा रहा है, दूसरी जाति को इस जाति के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। पंचायतें हो रही हैं, हमें किसी से मुकाबला नहीं करना। जो लोग इसको धार देना चाहते हैं कि जातियों में बांट दें, जब तक सर्वखाप पंचायतें हैं उन लोगों के ये गंदे मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। साथियों, आज लिसार की पावन धरती पर चौधरी साहब मौजूद हैं। मेरा आग्रह है उनसे, संचालक महोदय आ गए हैं, मैं उनका इशारा समझ भी चुका हूं, मेरा आग्रह है कि जो भी निर्णय हो ऐसा निर्णय हो कि सर्वखाप पंचायतों का इतिहास बरकरार रहे और हम उस निर्णय के सब लोग साथ रहें। साथियों, अभी हमारे चौधरियों ने, थांबेदारों ने और समाज के गणमान्य लोगों ने एक निर्णय लिया है जिसको हमारे बाबा जी आपके सामने रखेंगे। और मैं अत्रिस हमारा गोत्र है जिसके 12 गांव हमारे बुलंद जनपद बुलंदशहर के कस्बा स्याना में आते हैं। मैं आपको साक्षी मानकर और गंगा की सौगंध खाकर आपसे कहता हूं कि चौधरियों का जो निर्णय होगा हम लोग अपनी जान की बाजी लगाकर उसे पूरा करेंगे। ये आप हमारा विश्वास रखो, चाहे हमारी जान रहे चाहे हमारी जान ना रहे। चौधरियों का सम्मान, सर्वखाप पंचायत का इतिहास हम किसी भी सूरत में धूमिल नहीं होने देने के। मैं दो बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। गिरा जहां पर खून वहां का,
ये मेरा अपने ख्वाब के लिए है कि गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है, गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है, जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन में ये अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना, सौर्य कभी अगर सो जाए तो खा पंचायतों को पढ़ लेना, खा पंचायतों को पढ़ लेना। जय हिंद, जय भारत।